वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गेट रेडी विद मी, क्योंकि मुझे जाना है अभी एक पूजा में और मैंने आज कैरी किया है लहंगा, बहुत ही सिंपल सा। इस लहंगे का रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये मैंने मंगवाया था अमेजोन से अंडर 1000 रुपीज। जी हाँ, ये 990 या 999 का लहंगा था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है बनने के बाद। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ ग्लोई मेकअप आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मुझे ग्लोई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, और ग्लिटरी आईज कैसे आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेकअप होने वाला है, कोई फाउंडेशन वगैरह मैं यूज नहीं करूंगी इसमें। इसमें मैंने यूज किया है ओलिविया का पैनकेक और ओलिविया की स्टिक, क्योंकि कई लड़कियां कमेंट करती हैं हमारे पास यही है तो इससे मेकअप करना सिखा दो। तो सिंपल सा मेकअप होने वाला है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम आपको इसमें लगेंगे। कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलो ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगी थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि गर्मियों में मेरी स्किन हो जाती है बहुत ज्यादा ऑयली। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्लम। प्लम जो है ये 100% वेगन और पेटा सर्टिफाइड ब्रांड। मैं आज यूज कर रही हूँ प्लम ग्रीन टी रेंज, जिसमें मैंने यूज किया है सबसे पहले फेस वॉश। ये आपके स्किन के एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है। अगर आपको एक्ने प्रोन की प्रॉब्लम है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है टोनर, कॉटन पैड पे ले लिया है और अब मैं इसे अच्छे से अपनी स्किन पे लगा लूंगी। टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एक अच्छी क्वालिटी का टोनर लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लम का ग्रीन टी टोनर। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन, क्योंकि गर्मियों में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा सनस्क्रीन और ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है। तो अगर आप भी अपने लिए कोई अच्छे से स्किन केयर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो प्लम ग्रीन टी रेंज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इसे मैं स्पेशली अपने ओपन पोर्स एरिया पे लगाऊंगी ताकि ये मेरे पोर्स को एक अच्छा सा कवर अप दे दे। अब मैं यूज़ करूंगी ओलिविया पैनकेक। मैं कोई फाउंडेशन कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करूंगी, मैं यूज़ करूंगी ओलिविया पैनकेक का। ये मुझे बहुत अच्छी कवरेज देती है, देखने में ये आपको थोड़ी सी डार्क लगेगी बट यकीन मानिए ये थोड़ी देर बाद लाइट हो जाती है। तो मैं इसे अपने लिप्स पे भी लगा लूंगी ताकि जब लिपस्टिक लगाऊं तो उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आए। तो इसे मैं अपने गर्दन पे, कानों पे, हर जगह पे अप्लाई कर लूंगी। तो आज का मेकअप बेस होने वाला है ओलिविया पैनकेक और ओलिविया स्टिक के साथ। जब भी मैं जल्दी में होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता फाउंडेशन कंसीलर लगाने का, तब मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी कवरेज देता है बट हाँ, इसको लगाने के बाद आपको मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं अप्लाई करूंगी ओलिविया की पैन स्टिक। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, बट अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो इसे अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये फिर और ज़्यादा ऑयली कर देगी स्किन को। मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैंने इसे अप्लाई किया है। ये आपको बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, रेगुलर यूज़ के लिए तो ये परफेक्ट है। तो अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसे अगर आप चाहें तो अपनी फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो अगर कोई अफोर्डेबल मेकअप बेस ढूंढ रहे हैं तो ओलिविया का पैनकेक और ओलिविया की स्टिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर का, कॉम्पैक्ट का नहीं, लूज़ पाउडर का। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर। इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी, क्योंकि हमने ओलिविया के स्टिक का यूज़ किया है तो उसे सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसे मैं अच्छे से सेट कर लूँगी और फिर लगाऊंगी आई शेडो को। आई शेडो के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ब्लिंकिंग आई शेडो। आप देखेंगे इसकी पिगमेंटेशन ज़रा सा मैंने लिया है और आप दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हैं। पिगमेंटेशन इनकी बहुत सही है और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। तो आज के जो मेकअप प्रोडक्ट होने वाला है वो अफोर्डेबल होने के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी के होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है। मैंने एक गोल्डन बेस ले लिया है और मैं इस पर अप्लाई करूंगी ग्लिटर को। ग्लिटर लगाते वक्त मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, मैंने नीचे की तरफ अपने अंडर आई एरिया पे लूज़ पाउडर नहीं लगाया और मेरा ग्लिटर थोड़ा सा भी फैल गया तो वो पूरे फेस पे लग सकता था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्लिटर अप्लाई करते हैं ना, तो नीचे अंडर आई एरिया पे एक अच्छी लेयर लूज़ पाउडर की लगा ले, ताकि जब आप लूज़ पाउडर हटाएंगे तो आपका ये जो आई शेडो गिर गया है ये भी हट जाएगा। ग्लिटर जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने मंगवाया था इंस्टाग्राम स्टोर से, जिसका नाम है ग्लिटरी वर्ल्ड। इनके ग्लिटर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगता है आपका ग्लिटर ऊपर की तरफ भी फैल गया है तो जो मैंने गोल्डन आई शेडो लगाया था मैं उसे दोबारा से अप्लाई कर लूँगी ताकि एक अच्छी सी शेप मिल जाए। आई लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का लाइनर। ये थोड़ा सा ना शिमरी लाइनर है तो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। ये थोड़ा सा शिमर आता है इसमें, बहुत ही शाइनी वाला लाइनर है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये मैं एक सिंपल सा लाइनर ड्रॉ कर लूँगी, ना बहुत मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला।
कलर बार के जो लाइनर है ये होते हैं बिल्कुल वाटर प्रूफ, तो घंटों तक टिका रहेगा मेरा ये मेकअप, क्योंकि मैंने करने जाना है पूजा, तो मुझे चाहिए एक ऐसा मेकअप जो कम से कम 5-6 घंटे आराम से टिका रहे, तो ये मेकअप मेरा घंटों तक टिका रहने वाला है। तो लाइनर अप्लाई कर लिया है, अब आते हैं मस्कारा की तरफ। मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, वाटर प्रूफ है और मेरी नॉर्मल लैशेस को ये बहुत ही प्यारा सा बना देता है, मुझे कोई फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज मैं एक नया प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, मैंने आज तक कभी कॉन्टोरिंग नहीं की थी, बट मैंने मंगवाया है ये वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर पैलेट। ये है पाउडर कॉन्टोर, मतलब क्रीम कॉन्टोर नहीं करने वाली हूँ, वो बहुत हार्श लगता है मुझे, मैं पाउडर कॉन्टोर करने वाली हूँ। तो आप देखोगे बहुत ही सिंपल सा मैंने ब्राउन कलर लिया है और अपनी कॉन्टोरिंग लाइन पे लगा लिया है और बहुत ही ईजिली लग गया है ये। अभी आपको डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगेगा, बट जब मैं दूसरा शेड लगाऊंगी ना नीचे की तरफ, अब आप देख सकते हैं जब आप सेकंड शेड लगाते हो, लाइट शेड लगाते हो ना नीचे और ऊपर, तब आपको ये कॉन्टोर वाली लाइन बहुत ही अच्छे से दिखने लग जाती है। तो ये आपकी फेस को एक बहुत ही अच्छी सी शेप दे देता है। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पलाडियो का ब्लश। इस ब्लश की खासियत ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल लगता है, आप देखेंगे बहुत ही हल्का मैं लगा रही हूँ, बट ये बहुत ही नेचुरल लगता है, कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि कोई देख के बोले कि हाँ आपने फेस पे कुछ लगा रखा है। बहुत ही नेचुरल पिंक पिंक से ये आपके चीक्स को कर देता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाइलाइटर मैं ज़रूर लगाऊंगी क्योंकि मुझे हाइलाइटर्स बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ, वेट एंड वाइल्ड का, और आप देखना इसे एक बारी मैंने अप्लाई किया है और आप देखना कितनी चमक आ जाएगी इससे मेरे फेस पे। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है ये, स्पेशली अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी वादी में जा रहे हैं, तो ये हाइलाइटर आपके पास होना ही चाहिए। लिपस्टिक के लिए मैं सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये है आई एम्स्टरडैम की लिपस्टिक। लिंक दिया है मैंने सभी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लम के भी प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, सबके लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपको पसंद आता है चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने लगा लिया है पर्पल का काजल और आप देखोगे डिफरेंस। काजल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपकी आंखों में बहुत ज़बरदस्त डिफरेंस देती है। गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो आवाज़ को इग्नोर कर देना, थोड़ा सा अटक अटक के आ रही है। तो फेसिस कैनेडा का मैंने लगा लिया है मेकअप सेटिंग स्प्रे और अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी। ये मैंने पहना है राजस्थानी चूड़ा। ब्लाउज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये इस लहंगे का नहीं है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया है रेडीमेड, इसकी वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्द। लहंगा मैंने मंगवाया था अमेजोन से, ये है अंडर 1000 रुपीज़ लहंगा, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये, आप देख सकते हो फुल लहंगा, बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि 1000 रुपये में इतना ज़बरदस्त लहंगा मिल सकता है। इसका लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे इंस्टाग्राम स्टोर की है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप चेकआउट नीमा कलेक्शंस को। करती हूँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक करोगे, कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैंने स्पेशली राजस्थानी चूड़ा पहना है, ये आप देख सकते हो, मुझे ये चूड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सिंपल होते हैं बट बहुत ही प्यारे होते हैं। इसमें राजा रानी बने हुए हैं, रानी और ये रहा राजा, बहुत ही प्यारा चूड़ा है मेरा ये। तो मैंने आज ये कैरी किया है क्योंकि आज हम लोग कुछ राजस्थानी पूजा करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, और कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे अरे कहीं जाइए नहीं, मेकअप रिमूव कर लिया है मैंने, बट मेरी स्किन लग रही थी बहुत ही ज़्यादा डल, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है प्लम का ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे शेयर कर देती हूँ। ये मेरी स्किन को अंदर से क्लीन कर देगा, डीपली क्लीन कर देगा और मेरी स्किन को अच्छे से नरिश कर देगा। यह है प्लम का ग्रीन टी फेस मास्क, 10 मिनट रहने दूंगी और फेस वॉश कर लूंगी। इसके बाद मैं यूज़ करूंगी प्लम का नाइट जेल। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, ये मेरी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट कर देगा और मॉर्निंग तक मेरी स्किन हो जाएगी बहुत ही प्लम प्लम और बहुत ही प्यारी सी। यह है प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लेरिटी नाइट जेल। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।